स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में फोर्थ यूनिट में सेकंड टॉपिक या सेकंड पोर्शन डेडलॉक पढ़ेंगे और आज हम देखेंगे कि डेडलॉक किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे क्रिएट होता है। मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कोई दो प्रोसेस आती है जिनको उसे रिसोर्स प्रोवाइड करने हैं। हम ये देखेंगे कि डेडलॉक में कैसे हम इससे बाहर निकलेंगे और डेडलॉक की क्या कंडीशन है। सबसे पहले हम समझते हैं कि डेडलॉक होता क्या है। जैसे कि मैंने कहा कि अभी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास दो प्रोसेस आती हैं, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी मान लीजिए, और उनके पास अभी रिसोर्स वन है प्रोसेस ए के पास और प्रोसेस बी के पास रिसोर्स टू है। तो अगर मान लीजिए प्रोसेस ए को रिसोर्स टू की रिक्वायरमेंट है और प्रोसेस बी को रिसोर्स वन की रिक्वायरमेंट है और दोनों ही प्रोसेस एक दूसरे के रिसोर्सेस होल्ड किए हुए हैं और रिलीज नहीं करना चाहती, तब इस केस में हम कह सकते हैं कि डेडलॉक क्रिएट होगा। डेडलॉक मतलब दोनों ही प्रोसेस को एक अनडेफिनेट टाइम के लिए रिसोर्स के लिए वेट करना पड़ेगा और वो प्रोसेस अपना काम नहीं कर पाएंगी, कंप्लीट नहीं कर पाएंगी। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, अगर मान लीजिए हमारा कंप्यूटर है और ऑपरेटिंग सिस्टम मान लीजिए उसमें विंडो 7 डला हुआ है। अगर उसमें विंडो 7 डला हुआ है तो मैं मान सकता हूँ कि अगर मान लीजिए उसकी मान लीजिए रैम रिक्वायरमेंट जो रैम है उसमें बहुत ही कम है, मान लीजिए वो 1 GB ही है और उसमें दो प्रोग्राम चल रहे हैं। प्रोग्राम वन मान लीजिए कोई भी है, मान लीजिए MS Word है, और प्रोग्राम बी मान लीजिए उसमें मान लीजिए VLC प्लेयर है। अब अगर प्रोग्राम ए ने मान लीजिए, अगर हम स्पेस के टर्म में बात करें, अगर प्रोग्राम ए ने MS Word ने मान लीजिए 1 GB में से 715 MB मेमोरी ले ली है रन करने के लिए, मगर VLC प्लेयर को भी मान लीजिए 500 MB से ज़्यादा रैम की ज़रूरत है जो कि अब प्रोसेस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अवेलेबल नहीं है, तब ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में रैम रिक्वायरमेंट नहीं हो पाएगी, रैम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह के केस को भी हम एक तरह का डेडलॉक कह सकते हैं। आगे अगर हम देखें तो ये तो मैंने एक केस लिया है, मगर इसकी बहुत सारी कंडीशन है, मेनली 4 नेसेसरी कंडीशंस होती हैं जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं, वो हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ डेडलॉक अकरेंस। तो इसकी 4 मेन कंडीशन है। पहली है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरी है होल्ड एंड वेट, तीसरी है नो प्रीएम्पशन और चौथी है सर्कुलर वेट। हम एक एक करके इनको समझेंगे कि ये चारों कंडीशन होती क्या है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी प्रोसेस है, अगर सिस्टम में वो प्रोसेस कोई एक रिसोर्स रखे है अपने पास रखे हुए है, तो दूसरा प्रोसेस उस रिसोर्स को ले नहीं सकता जब तक वो रिलीज नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि वो रिसोर्स जो है वो शेयरेबल नहीं है, मतलब एक बार में कोई एक ही प्रोसेस और रिसोर्स को ले सकती है। गॉट इट? जैसे अगर मैं बात करूं, इस तरह के रिसोर्स जनरली हार्डवेयर रिसोर्स होते हैं, जैसे कि प्रिंटर है हमारा, कि प्रिंटर से एक ही बार में एक ही कंप्यूटर प्रिंट कमांड दे सकता है, एक साथ दो पेज प्रिंट नहीं किया जा सकते इस प्रिंटर से। तो हम कह सकते हैं कि प्रिंटर जो है हमारा एक तरह का नॉन शेयरेबल रिसोर्स है, मतलब वन एट ए टाइम या वन बाय वन। ओके, चलिए सेकेंड कंडीशन देखते हैं, जैसे हमारी होल्ड एंड वेट है। होल्ड एंड वेट के बारे में अभी हमने समझा भी था। ये क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई एक प्रोसेस है वो एक रिसोर्स होल्ड किए हुए अपने पास रखे हुए है और दूसरे रिसोर्स के लिए वेट कर रही है, इस कंडीशन में क्या होगा कि हो सकता है वो जिस रिसोर्स के लिए वेट कर रही है वो दूसरा प्रोसेस उसको होल्ड किए हुए। इस तरह की कंडीशन भी डेडलॉक अकरेंस करती है। तो ये भी एक तरह की नेसेसरी कंडीशन है अगर डेडलॉक हमारे सिस्टम में होता है। तीसरी कंडीशन के बारे में हम देखें, वो कहलाती है नॉन प्रीएम्पशन। नॉन प्रीएम्पशन में क्या होता है कि अगर कोई प्रोसेस कोई रिसोर्स होल्ड किए हुए है और दूसरी प्रोसेस उस प्रोसेस को चाहती है कि वो उसको एक्वायर करना चाहती है, उसको होल्ड करना चाहती है, तो ये जो पहली वाली प्रोसेस है वो उस रिसोर्स को प्रीएम्प्ट नहीं करेगी। प्रीएम्प्ट नहीं करेगी मतलब उसको वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगी। तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं नो प्रीएम्प्शन, मतलब प्रोसेस वो रिसोर्स होल्ड किए है जो दूसरी प्रोसेस को चाहिए है और वो छोड़ने को तैयार नहीं है, इस तरह की कंडीशन को हम नो प्रीएम्प्शन बोलते हैं। चौथी कंडीशन है हमारी सर्कुलर वेट।
सर्कुलर वेट के बारे में हम समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोसेस ए है, प्रोसेस ए को रिसोर्स वन की रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस बी को रिसोर्स टू की रिक्वायरमेंट है और प्रोसेस सी को रिसोर्स थ्री की रिक्वायरमेंट है। इस तरह से एक सर्कल बन सकता है, जैसे कि मैं अभी आपको एक डायग्राम से समझा सकता हूं इस चीज को। देखिए आप, अगर मान लीजिए प्रोसेस वन है, प्रोसेस टू है और प्रोसेस थ्री है, प्रोसेस थ्री को रिसोर्स, मैं एक बार डायग्राम बना लेता हूं फिर आपको मैं अच्छे से समझा पाऊंगा ये क्या है। आप देख सकते हैं डायग्राम में, इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि सर्कुलर वेट क्या होता है। हम यहां पर देखें कि प्रोसेस वन को रिसोर्स वन चाहिए है, प्रोसेस टू को रिसोर्स थ्री चाहिए है और प्रोसेस थ्री को रिसोर्स वन चाहिए है। इस तरह से एक सर्कुलर बन जाएगा और ये तीनों ही प्रोसेस एक दूसरे का वेट करेंगी कि कौन रिसोर्स रिलीज करेगा। इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं सर्कुलर वेट, वेट कंडीशन। तो हम ये समझते हैं कि ये चारों ही कंडीशन, जब किसी भी सिस्टम में अगर ये चारों कंडीशन होल्ड करेंगी एक साथ साइमल्टेनियसली, तभी हम कह सकते हैं कि डेडलॉक क्रिएट होगा। अब मैं अगर आपको ये बताऊं कि अगर हम चाहते हैं कि किसी भी सिस्टम में, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहता है कि वो डेडलॉक अवॉइड करे, तो उसे इन चारों में से एक भी कंडीशन अगर वो अवॉइड कर देगा तो वो डेडलॉक अवॉइड कर सकता है उस केस में। एक बार मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं कि डेडलॉक की चार जो एसेंशियल नेसेसरी कंडीशन है वो क्या क्या है। पहली कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, मतलब एक रिसोर्स के लिए जो है वो नॉन शेयरेबल मोड पे होना चाहिए। अगर कोई भी रिसोर्स ऐसा है जो नॉन शेयरेबल मोड पे है तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होल्ड करेगा, जैसे कि प्रिंटर होता है। दूसरा होल्ड एंड वेट, होल्ड एंड वेट मतलब अगर कोई प्रोसेस एक करेंटली होल्ड किए हुए है एक रिसोर्स और दूसरा एडिशनल रिसोर्स के लिए वो दूसरी प्रोसेस के पास रिक्वेस्ट भेज रहा है, इस तरह की कंडीशन को हम बोलेंगे होल्ड एंड वेट। तीसरा है हमारा नॉन प्रीएम्पशन, नो प्रीएम्पशन। इसमें क्या है कि कोई प्रोसेस रिसोर्स होल्ड किए हुए है जो कि दूसरी रिसोर्स को चाहिए है अपना एग्जीक्यूशन करने के लिए और वो उस रिसोर्स को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, मतलब प्रीएम्प्ट करने के लिए तैयार नहीं है, इस तरह की कंडीशन को हम बोलेंगे नो प्रीएम्पशन। चौथी कंडीशन है हमारी सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट में क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया कि अगर प्रोसेस वन के पास रिक्वायरमेंट रिसोर्स वन है जो कि रिसोर्स प्रोसेस टू के पास है, प्रोसेस टू को रिसोर्स टू की रिक्वायरमेंट है जो कि रिसोर्स प्रोसेस थ्री के पास है और प्रोसेस थ्री को रिसोर्स वन की रिक्वायरमेंट जो कि प्रोसेस वन के पास है, इस तरह की कंडीशन को हम बोलेंगे सर्कुलर वेट। तो हमने आज समझा कि डेडलॉक कंडीशन क्या होती है। थैंक यू।